हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं जा रही हूँ बस सेक्टर 6 ने लिए चंकी ज्वेलरी, स्पेशली वो जो सिल्वर वाली होती है। तो काफी टाइम से सोच रही थी मुझे उसमें थोड़ी कलेक्शन चाहिए, तो जल्दी से चलते हैं वहां पर और जल्दी से वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ पास है सिर्फ एक घंटा, एक घंटे में आ जाएंगे सोनू वापस। तो उससे पहले जाते हैं और उन्हीं से पहले वापस आते हैं। चलिए, फाइनली लग रहा है कि लाइफ फिर से ट्रैक पे आ रही है। और वो कैसे लग रहा है? ऐसे लग रहा है जो सिंगल पर्सन को भी मास्क लगाना पड़ता था गाड़ी में, वो फाइनली रूल खत्म हो गया। मैं रेड लाइट चेक कर रही हूँ, ग्रीन तो नहीं हो गई है, तो वो फाइनली खत्म हो गया यार। ये सिर्फ पजामे है? सिर्फ लोअर का क्या प्राइस है? 350। वैसे व्हाइट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। एक वो वेलवेट का भी दिखा ना। ये वेलवेट वाले का क्या प्राइस है? ले लो, पूरा सेट है ये भी। और वो जो नाइटी थी आपके पास, नाइटी इस कपड़े में, ये एक ही बचा हुआ है? हाँ, एक ही पीस। और ये कितने का है? 550 का बेचा है, ले लो आपको। और ये कफ्तान में जो है इसका, ये तो अभी आया है, ये कितने का है? 550। ये कितने का भी? ये 450। इस वाले का भैया, ये अभी आया है सारा समर का। किस रेंज में सारे रखे हुए हैं जो? 100 रुपए से स्टार्टिंग है, 150 की है, 200 की है, इधर तो 150-200 है। और ये जो कलर वाले हैं, ये सब सेट? हाँ, ये जो कलर वाले गोल्डन में, सबका सेम रेट है 250। अरे सेट्स के 250 है। अच्छा, और इनका अलग अलग रेट है? हाँ जी, मैं 250 भी है, 300 की भी है, 200 रुपए की भी है। The next day.
मुझे लगा फिर से लैपटॉप चला लिया। सो कल मैं सेक्टर 6 से जो सामान लेकर आई थी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कल मैं क्या लेकर आई थी। तो जैसे कि मैं आपको बोल के गई थी कि मुझे थोड़ी सिल्वर ज्वेलरी जो चंकी ज्वेलरी टाइप होती है ना मुझे वो लेना था। आई लव कॉफी मेरे हाथ की। पता है मैंने ये ब्लैक सूट स्पेशली इसीलिए पहना है कि यू नो ब्लैक के ऊपर सिल्वर बहुत अच्छा लगता है। तो अभी मैं आपको जब पहन के दिखाऊंगा थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है। चलो तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको जो मैंने बैंगल कंगन टाइप का लिया है। ये देखो ये सबका जो रेट है 200 था और मुझे ये मिला है 100 में। लग रहा है ना ये थोड़ा सा ब्रॉड है और है मतलब पतले वाले में लिया है। ये देखो ये भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लग रहा है। 200 ईच था सबका। तो मैंने क्योंकि मैंने सामान थोड़ा ज्यादा लिया था तो बार्गेनिंग की उनसे एंड आई गॉट इट आई थिंक हाँ 100 का पड़ा है फिर मुझे ईच नॉट ऑल। और मैंने ये दो क्या बोल रिंग्स भी ली हैं का डिजाइन। तो मैंने ये लिए हैं दो और ये पता है कितने रुपीस के थे 10 रुपीस की। ये सेट भी 200 का था। पहन के दिखाती हूँ तो मैंने खोला भी नहीं अभी तक। ये सेंटर में आना चाहिए था बट अभी ऐसे ही देख लो। एक मैंने गोल्डन में भी लिया है थोड़ा सा ही ना साड़ी वगैरह पे डालने के लिए। ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे। ये 300 का पेयर था। ये अच्छा लग रहा है ना। ये 300 का था तो इसको भी मैंने शायद दूसरी शॉप से लिया था। ये मैंने शायद उनको 200 में ले लिया था उनसे। एक मैंने लिया था ये वही 200 का था तो टोटलिंग में करा लिया था। तो जो एक्चुअल प्राइस है वो आपको बता देती हूँ। पहले बाल पीछे करूँ तो बर्दाश्त नहीं होते यू नो लूज है पता नहीं रख पाती मैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना। हल्की सी वो छन छन भी आ रही है, बहुत ज्यादा नहीं आ रही है मतलब हाँ हल्की फुल्की आ रही है कि अच्छी लग रही है। ये देखो मेरे कान्हा जी हाय ऐसे मतलब मोर पंख है बांसुरी बजा रहे हैं और कान्हा जी के हाथ है। बहुत अच्छा लगा मुझे ये। इसके तो इयररिंग्स भी हैं। वेट ये इयररिंग्स पहन के दिखाते हैं आपको। जब भी ऐसे रेडी होती हूँ ना पता नहीं क्यों मुझे एक ही गाना याद आता है, सजना है मुझे सजना के लिए। चमके ना सज रही हूँ अपने लिए सज रही हूँ। शाबाश बेटा बहुत बढ़िया मुन्ना। बट गाना यही आता है मेरी जबान पे आई डोंट नो। कैसा लग रहा हो?
आजकल तो वो ट्रेंड है ना गाने में, ये तेरी चांद बालियां होठों पे वो गालियां अच्छा है ना। और ये चोकर, मेरे पास चोकर एक है पहले ही, काफी पुराना है, 2-3 साल पहले मैंने लिया था। तो आई वॉज थिंकिंग कि एक और एड ऑन कर लेते हैं अपने, भी बहुत सुंदर लगते हैं। तो जो डीप नेक होता है ना, स्कूप नेक पे बहुत सुंदर लगते हैं। कि इसका गला ना आगे से छोटा है, कैसा लग रही हूँ, थोड़ा सा टाइट। और इसके साथ भी इयररिंग्स हैं ये। आप जब भी इस तरह की मार्केट से ऐसे चंकी ज्वेलरी खरीदो ना, तो हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखो। एक तो जो पीछे बंद करने का होता है, जो इस तरह से, ये तो चलो डोरी वाला है, जो जैसे ये वाला दिखाया था ना मैंने, ये वाला, तो इसका ये हमेशा चेक करो ये कि कितना स्ट्रांग है। जैसे ये वाला है थोड़ा सा यू नो होना चाहिए कि जल्दी से ख़राब ना हो। और एक दूसरा जो ये इनके पीछे के होते हैं, मैंने मतलब वो होता है ना, आप अपने एक्सपीरियंस से ही सीखते हो। एक दो बार मेरे साथ हुआ है, पीछे का बिल्कुल ऐसे टेढ़ा, जैसे ये सीधा है ना, बिल्कुल ऐसे स्लैंटिंग में होता था। और उसको आप जैसे ही सीधा करने की कोशिश करो, ऑब्वियसली टेढ़ा तो नहीं पहन पाओगे, वो फिर पीछे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वेन एवर आई ट्राई टू फिक्स इट ना, वो हाथ में ही आ जाता था। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो खरीदते टाइम। ये बहुत सुंदर लग रहा है। मेरे पास जो साड़ी, एक तो मेरे पास वाइट कुर्तीज बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, आई लव वाइट कुर्तीज, और स्पेशली लखनवी में हैं, उनके साथ सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी जाती है। और जो मेरा साड़ी का कलेक्शन है ना, वो सारा जैसे खादी में आप बोल सकते हो, हैंडलूम का, कॉटन, इस तरह की हैं, जिन पे भाई सिल्वर ज्वेलरी तो 4 चांद लगा देती है उस साड़ी में, सिंपल सी साड़ी। इसलिए मुझे था कि मैं थोड़ा सा और एड ऑन करूँ, काफ़ी पुराने हो गए थे ये, देखो। हाउ इज इट, आप मुझे प्लीज़ बताना आपको सबसे सुंदर कौन सा लगा। ये मेरा सबसे फेवरेट, मुझे ये वाला और वो जो कृष्ण भगवान का था मोर पंख के साथ, वो ये दो सबसे ज़्यादा पसंद आए। प्यार पूरा गला भरा भरा लग रहा है ना इसको। तो आप टॉप्स जिस तरह का ब्लैक वाइट कुछ ऐसा पहना, मेरे पास फैब इंडिया के हैं 2-3, उनके साथ बहुत अच्छा जाएगा टॉप्स के साथ। लव इट। एक और चीज़ लाई, विंटर जब ख़त्म होने को होता है ना, तो विंटर के जो कपड़े हैं बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते। कोजी कोजी नाइट सूट लिया अपने लिए। यू विल नॉट बिलीव, जब विंटर सीजन था मैं हर बार जाती थी इसका रेट पूछने, मतलब कलर्स और दूसरे होते थे, थोड़ा बहुत प्रिंट ऑफ कोर्स, तो 1150-1150 लिटरली ये रेट होता था। और आपको पता है मैं ये कितने में लेकर आई हूँ, 600 रुपये में लेकर आई हूँ। ये देखो, ये पूरा पाइपिंग लगा हुआ है इधर, और ये जहाँ से बटन्स बंद होते हैं इधर, दूसरी साइड भी, और पॉकेट्स भी हैं, और इस पर भी बना हुआ है, दोनों साइड पॉकेट्स हैं। इतना कोजी है ना, मुझे बहुत पसंद है इस तरह के कोजी कोजी कपड़े ना। और इसके साथ पजामा भी है, ये देखो इसके नीचे बना हुआ है ये दोनों साइड। ये थी मेरी शॉपिंग। और क्या लिया था, और तो ऐसा कुछ नहीं, बिस्किट्स वगैरह लिए थे, बच्चों के लिए सॉक्स ली थी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पर एंड। पता चले वीडियो बहुत लंबी हो गई और आप बोर हो गए, तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नए व्लॉग के साथ। और आप लोग का बहुत प्यार मिल रहा है मुझे, इसलिए थैंक यू सो मच। और अपना प्यार, अपना मोटिवेशन ऐसे ही देते रहिए ताकि मैं और वीडियोस बनाती रहूँ। मैं बहुत एक्चुअली बहुत इन्जॉय कर रही हूँ व्लॉग्स बनाना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी जर्नी रुक जाए यहीं पर। तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, एंड इफ़ यू हैवेंट डन ऑलरेडी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। और जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसको भी ऑन कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर माई अपकमिंग वीडियोज। टिल देन गाइज, ईट हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, लव योर फैमिली, बट अबव ऑल लव योर सेल्फ। बाय बाय। और कौन सा सबसे अच्छा लगा मुझे बताना, ठीक है।